संसद सत्र शुरू हो चुका है। जहां अब तक सरकार का रुख विपक्ष के लिए कड़ा रहा, वहीं विपक्ष भी कई हालात में झुकने के लिए तैयार नहीं है। संसद सत्र के छठवें दिन आज दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। आज दोनों सदनों में विपक्ष ने लोकसभा में राहुल गांधी ने जहां आज के दिन नीट पर चर्चा करने के लिए मांग रखी, जब चर्चा की सरकार तैयार नहीं हुई तो लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं राज्यसभा में सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने संविधान के बहाने उच्च सदन में सीधे हमला करते हुए कहा कि 10 साल में संविधान को कमजोर किया गया है। सरकार संविधान की बात तो करती है लेकिन संविधान को मानती नहीं है। खड़गे ने कहा कि संविधान बचेगा तभी सारे काम हो पाएंगे। संविधान की रक्षा का मामला अभी भी कायम है। राज्यसभा सांसद खड़गे ने कहा कि भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है, इसलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चलकर दिखाना होगा। बीते एक दशक में संसदीय परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नज़रअंदाज किया गया है, संसद में हमें अपनी बातें रखने के लिए संघर्ष किया गया है। खड़गे ने कहा कि सोच में ऐसी संसद थी जिसमें विपक्ष ना हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली नहीं होती। आज लोकतंत्र की बात करते हैं और एक कानून संविधान में प्रावधान है, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन अपने 5 साल तक उस पोस्ट को खाली रखा। खड़गे ने पूछा कि क्या आप संविधान के तहत चल रहे हो, क्योंकि तो बाहर ये है कि हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं लेकिन आप उसके उल्टा और विपरीत करते जा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण ने दिशा और दिशा दोनों ही दिखाया। इसी राज्यसभा में पीएम ने छाती ठोकते हुए कहा था कि अकेले सब पर भारी हूँ, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अकेले कितने लोग भारी हैं, संसद में आप यहाँ पर और कितने लोगों पर भारी हैं। लेकिन चुनावी नतीजे दिख गया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी नारों की कोई भी जगह नहीं है। खड़गे ने आगे कहा कि लाखों लोग वहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते थे लेकिन आपने डर कर जहाँ विरोध प्रदर्शन होता है वहां से महापुरुषों की मूर्तियों को कान से हटा दिया। किसकी मूर्ति? जिस महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, जिसने संविधान बनाया, भीमराव अंबेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को अपने पीछे हटाकर क्या दिखाना चाहते हैं? उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी है।